फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कलर का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये चार लाइनों का डिज़ाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। दो लाइनों में हमारा एक कलर चलेगा और आगे की दो लाइनों में हमारा दूसरा कलर चलेगा। सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद दूसरा कलर अटैच करना है। जो डिज़ाइन मैंने यहाँ से शुरू किया है अब मैं यहाँ से कर रही हूँ। ये वाला हमारे बॉर्डर वाला कलर है, रेड वाला। अब हमने क्रीम कलर यहाँ पे जैसे अटैच कर लिया है, अब हम शुरू कर रहे हैं। सीधी साइड है फर्स्ट रो, जो बॉर्डर वाला कलर है इस फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है, और जो दूसरा कलर क्रीम कलर हमने अटैच किया था उसको हमने बुनना है। उल्टे फंदे की तरह हमने फंदे को उतारना है। अभी क्रीम कलर जो है इसको हमने बुनना है, और ये बॉर्डर वाला जो कलर है रेड इसको हमने उतार लेना है। बॉर्डर वाला जो कलर है इसको हमने उतार लेना है, और जो हमने अटैच किया था क्रीम कलर इससे हमने एक फंदा सीधा बुनना है। उल्टे फंदे की तरह हमने उतारना है और सीधे फंदे की तरह हमने ये बुनना है। क्रीम कलर से एक फंदा हमने सीधा बुनना है, और बॉर्डर वाला जो रेड कलर है इसको हमने ऐसे उतार लेना है। पूरी रो को हमने ऐसे बुनना है। एक फंदा हमने सीधा बुनना है, एक फंदा हमने उतारना है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि बॉर्डर वाला जो फंदे हैं इसको हमने उतारना है, और जो क्रीम कलर हमने अटैच किया था इसको हमने बुनना है। इस तरह डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं सेकंड रो बैक साइड पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ध्यान से देखना है। जो फंदे हमने बुने थे वो तो हमने बुने हैं, और जो उतारा था उसको हमने उतार लेना है। ऐसे उल्टी साइड है, लेकिन इधर भी हमने सीधा ही बुनना है। धागे को पीछे करके ये फंदा हमने क्रीम कलर का बुना था इसको हमने बुनना है। धागे को अपनी तरफ करके अभी जो उतारा था फंदा हमने इसको हमने बैक साइड में भी उतारना है। धागे को पीछे करके जो फंदा हमने बुना था इसको हमने सीधा बुनना है। उल्टी साइड है, लेकिन फिर भी हमने सीधा बुनना है। इस फंदे को हमने उतारा था इसको हम उतारेंगे इस साइड में भी। धागा पीछे करके जो फंदा हमने बुना था इसको हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हमने उतार लेना है। धागा पीछे करके इस फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हमने उतार लेना है जो पहले से उतारा था हमने। धागा पीछे करके जो बुना था फंदा इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। पूरी रो को हमने ऐसे ही बुनना है। जो उतारा था फंदा इसको उतार लेंगे उल्टे फंदे की तरह ऐसे। धागा पीछे करके जो बुना था फंदा इसको हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके उतार लेंगे एक फंदा। धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब दो लाइनों में हमारा क्रीम कलर चला है। अब आगे की दो लाइनों में हमारा दूसरा कलर चलेगा। इस तरह डिज़ाइन की हमारी सेकंड रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है।
अब आते हैं थर्ड रो फ्रंट साइड पे। अब यहाँ से हम उनका दूसरा कलर लगाएंगे, रेड कलर। दो लाइनों में हमने अब रेड कलर से बनाना है। अब हमने क्या करना है, रेड कलर अब हम बुनेंगे और क्रीम कलर को हम उतारेंगे। इसको हमने बुनना है और इसको हम उतार लेंगे। अब क्रीम कलर को हम उतारेंगे और रेड कलर को हम सीधा बुनेंगे। क्रीम कलर को उतारेंगे, ये ऊपर गांठ दिख रही है, इससे हम आइडिया लगा लेंगे कि इसको हमने बुनना है, ये हमने उतारना है। ये जो गांठ सी दिखाई दे रही है ऊपर को, इससे हमको आइडिया हो जाएगा कि इस फंदे को हमने बुनना है। अब दो लाइनों में हमने रेड कलर चलाना है। इस डिज़ाइन की थर्ड रो भी बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फोर्थ रो पे, बैक साइड पे। अब इधर में हमने ध्यान से देखना है क्या करना है। जो फंदे हमने बुने थे वो तो हमने बुनने हैं। क्रीम कलर के फंदे को हमने उतारना है, धागा पीछे करके रेड कलर के फंदे को हमने बुनना है, धागा अपनी तरफ करके। जो ये उतारा था हमने थर्ड रो में फंदे को, इसको हमने उतार लेना है, धागा पीछे करके। इस फंदे को हमने पहले बुना था, इधर भी हम सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करके सीधा बुन लिया। सेम सेकेंड रो की तरह हमने बुनना है, जैसे हमने सेकंड रो में बुना था। जो फंदा उतारा था हमने उसको उतार लेंगे और जो बुना था उसको हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हमने उतार लेना है, धागा पीछे करके रेड कलर के फंदे को हमने सीधा बुन लेना है, क्योंकि पहले भी हमने इसको बुना था। उतारे वाले फंदे को हमने उतार लेना है, धागा पीछे करके जो बुना था इसको हमने सीधा बुन लेना है। पूरी रो को हम ऐसे ही बुनेंगे, एक फंदा हमने उतारना है और एक फंदा हमने बुनना है। जो उतारा था फंदा इसको हम उतार लेंगे और धागा पीछे करके जो फंदा हमने बुना था उसको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह डिज़ाइन की हमारी फोर्थ रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। इसके साथ ही हमारा डिज़ाइन भी बन के कम्प्लीट हो गया है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है,
इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिए। यदि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।